सच साहस सरोकार। अमित शाह का बड़ा बयान, बोले तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए इतिहास को हमें फिर से लिखने से कोई रोक नहीं सकता। आपके सेक्रेटरी संदीप भारद्वाज ने किया सुसाइड, मौत की वजह साफ नहीं, एमसीडी चुनाव में टिकट ना मिलने से थे परेशान। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में रात में से धधक रही आग, 12 घंटे से काबू पाने में लगी फायर ब्रिगेड की 40 गाड़ियां। रोनाल्डो की टीम ने जीता रोमांचक मुकाबला, फर्स्ट हाफ में 0-0 रही स्कोर लाइन। ऋचा चड्ढा ने आर्मी का मजाक उड़ाया, अक्षय कुमार ने लगाई फटकार, सेना के प्रति एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे और 11:40 पर लखनऊ से अलीगढ़ के लिए प्रस्थान करेंगे। बता दें, इस दौरान सीएम योगी विकास योजनाओं का लोकार्पण करेंगे और विकास कार्यों का जायजा लेंगे और 2:55 पर हेलीपैड से राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी मैदान में फिरोजाबाद के लिए रवाना होंगे, जहाँ विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कर वापस लखनऊ के लिए रवाना होंगे। खबर लखनऊ से है, जहां एसटीएफ की टीम को बड़ी सफलता मिली है और एसटीएफ की टीम ने सरकारी अस्पतालों की दवाइयां बेचने वाले गिरोह का खुलासा कर दवाइयों को खुले बाजार में बेचने वाले गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बता दें, पकड़े गए अभियुक्तों से पूछताछ के बाद टीम अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। खबर गाजियाबाद से है, जहां के कमला नेहरू नगर ग्राउंड में कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत 3003 जोड़ों के सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पंजीकृत श्रमिकों को 3003 पुत्रियों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। बता दें, इस दौरान 1147 मुस्लिम पुत्रियों का निकाह, 3 सिख धर्म और 3 बौद्ध धर्म के अनुसार पुत्रियों का विवाह कराया गया। 3003 जोड़े गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह का अद्भुत नज़ारा आज यहाँ गाजियाबाद की धरती पर प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज यहाँ आप सब लोगों के सामने उपस्थित हो रहा है। मैं तो श्रम मंत्री होने के नाते अपने आप को मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ। उनसे पहले बैठा हूँ, अपने धर्म में एक लड़की का विवाह कराना पता नहीं कितने पुण्य के बराबर माना जाता है। कोशिश रही है और पहल रही है कि किस तरह श्रमिकों की देखभाल और इस सिलसिले के अंदर जितने श्रमिक हैं, खासकर ज़्यादातर श्रमिक बेचारे गरीब होते हैं, तो उनकी बेटी और बेटियों का विवाह का एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया है। आज पूरे मंडल के अंदर इस यहाँ पे हमारे पास गाजियाबाद के भी लोग हैं, हापुड़ के भी हैं, बुलंदशहर के भी हैं। खबर सुल्तानपुर से है, जहां जिला महिला अस्पताल में जुड़वा बच्चों की मौत के बाद प्रसूता की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ जमकर हंगामा काटा। बता दें, मामले को बढ़ता देख मौके पर पूरे बल के साथ पुलिस पहुंची और परिजनों को समझा बुझा कर मामले को शांत कराया। बता दें, जिला महिला अस्पताल में परिजनों ने जमकर हंगामा कराया, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों को समझा बुझा कर शांत कराया। पूरा मामला
है कि प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। बता दें सुल्तानपुर में जिला महिला अस्पताल में जुड़वा बच्चों की मौत के बाद प्रसूता की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ जमकर हंगामा किया। मामले को बढ़ता देख मौके पर बल के साथ पुलिस पहुंची और परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। खबर बुलंदशहर से है, जहां मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। स्कूल पढ़ने जा रही 10वीं क्लास की नाबालिग छात्रा को रास्ते से उठाकर दो दरिंदों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया और दरिंदों ने छात्रा की अश्लील फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल किए। वहीं मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू की। कॉलेज जा रही रास्ते में स्कूल 10वीं पढ़ती है, रास्ते में दो लड़के ने उठा लिए, उठाए के पता नहीं कहाँ पे ले गए, रेप किया, फोटो वायरल कर दिए फेसबुक इंस्टाग्राम पे और सर उसके बाद थाने में गए थे रिपोर्ट देने। कितने लोग थे वो? सर दो लोग थे। दोनों ने रेप किया? सर दोनों ने किया था। खबर आगरा से है, जहां दबंगों ने शाहगंज क्षेत्र में 2.5 साल के बच्चे को किडनैप कर लिया, जिसके बाद पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने बच्चे को शाकुशल बरामद कर परिजनों को लौटाया। हालांकि किडनैपिंग की वजह भी स्पष्ट नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस को अब तक की पूछताछ में दबंग ने बताया कि उस पर 25,000 का कर्ज था, इसे चुकाने के लिए उसने बच्चे का किडनैप किया। महिलाओं एवं छोटे बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के प्रति कठोर कार्रवाई के निर्देश मुख्यालय स्तर से सभी फील्ड के अधिकारियों को दिए गए हैं। इसमें उल्लेखनीय सफलता तब मिली जब 2.5 साल के एक बच्चे का अपहरण आगरा से 22 तारीख को कर लिया गया। तत्काल विशेष टीमें गठित की गई तथा उस व्यक्ति को पहचान करने की कोशिश की गई जिसने कि बच्चे को उठाया है या बच्चा चोरी किया है। आगरा पुलिस ने एक बहुत ही संवेदनशील और सनसनीखेज 2.5 साल के बच्चे के अपहरण के केस का सफल अनावरण किया है। पुलिस ने मात्र 24 घंटे के अंदर बच्चे की सकुशल बरामदगी सुनिश्चित किया है और अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया है। खबर कासगंज से है, जहां कोतवाली क्षेत्र गंज डुंडवारा के गांव खरपरा के पास एक लोडर वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं पुलिस ने लोडर वाहन को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की। खबर कासगंज से है, जहां सिद्धपुरा ब्लॉक के धुबियाई गांव में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय में यातायात के नियमों के प्रति स्कूली बच्चों को अपने नए अंदाज में जागरूक किया गया। वहीं ग्रामीणों को पंचायत घर में लगे माइक में यातायात के नियमों के प्रति सीधा संवाद किया। इसके बाद स्कूल की प्रधानाध्यापिका ने समस्त लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। बता दें इस मौके पर प्रधान दुर्गेश कुमार सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।